अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। कभी फुसलाएंगे तो कभी हमसे लाठी चार्ज भी हो सकता है, बाकी हमें डटे रहना है, पीछे नहीं हटना है। टूट गए और आज उसी प्रकार समूचे मध्य प्रदेश में फिर से सफाई कर्मचारियों ने अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए तो हमारे आने वाली पीढ़ी को अशिक्षित बना के छोड़ देंगे और केवल हमें एक वोट मात्र का हिस्सा बनाकर कहीं कदम बदल देंगे। जैसा कि हम जानते हैं इस सरकार से हमें लड़ाई लड़के ही अपनी मांगों को पूरा करना है और जब तक ये सरकार हमारी मांगे नहीं मान लेती हम यहीं पर बैठे रहेंगे। जब जब भी सफाई कर्मचारियों ने अपना काम बंद किया है तो साथियों इस बात का आप ध्यान रखें कि हमें बोलते हैं समाज, बस आज भी ऐसा है कि कुछ लोग समाज को पता ही नहीं। मैंने मेरे घर पे जाके पूछा कि अनिश्चितकाल हड़ताल पे बैठ गए हैं, किस मांग को लेकर बैठे हैं और क्या पूरा मामला है? देखिए समूचे मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के 18 सूत्री मांगों को लेकर जो आज हमने यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ में सफाई कार्य बंद हड़ताल है यहाँ पे अनिश्चित काल के लिए। हमारे सफाई कर्मचारियों की जो मांगे काफ़ी समय से लंबित है, 18 मांगों में जैसे हमारे विनियमित जो कर्मचारी हैं उनको पूरा नियमित किया जाए, 2016 तक के समस्त कर्मचारियों को नियमित किया जाए, 2005 में जो पेंशन बंद हुई थी उसको भी पुनः प्रारंभ किया जाए, ऐसी 18 सूत्री मांगे हैं उसको लेकर हम सब यहाँ कर्मचारी आज धरने पर बैठे हैं। हमारे हड़ताल काम बंद है, इस दौरान का सफाई कार्य बंद रहेगा आपका? पूरा सफाई कार्य सुबह से ही बंद है, पूरे शहर में कहीं भी सफाई कार्य नहीं हुआ है, यहाँ तक कि डोर टू डोर कचरा वाहन वालों ने भी हमारा सपोर्ट किया है, सहयोग किया है, वो भी पूरा अपने कार्य को बंद करके बैठे हैं। कितने कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं? टोटल 750 कर्मचारी हमारे साथ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है जो सफाई कर्मचारी है। इसके अलावा डोर टू डोर के जो है वो कम से कम 150 कर्मचारी वो भी हमारे सपोर्ट। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम रुपेश कल्याण है, जिला अध्यक्ष देवास।